ओपनिंग बल्लेबाज और टीम के उपकप्तान केएल राहुल शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। केएल राहुल बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी के साथ सात फेरे लेंगे। बता दें कि 23 जनवरी को मुंबई में केएल राहुल और अथिया शेट्टी सात फेरे लेकर एक दूसरे के हो जाएंगे। सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी और केएल राहुल की शादी को काफी प्राइवेट रखा गया है। दोनों की शादी में बेहद ही कम मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। सुनील शेट्टी के घर पर खास तौर पर तैयारी की गई है और कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच केएल राहुल और अथिया शेट्टी की शादी हो रही है। हालांकि सुनील शेट्टी ने अपनी बेटी और अपने दामाद को लेकर कहा है कि शादी के बाद दोनों मीडिया के साथ बातचीत करेंगे, सामने आकर के फोटोशूट भी करवाएंगे। मीडिया लगातार कुछ न कुछ ढूंढने का प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से अथिया शेट्टी और केएल राहुल की शादी की इनसाइड तस्वीरें सामने आ जाए। बहरहाल तस्वीरें तो अब तक ज़्यादा सामने नहीं आ पाई हैं, लेकिन कुछ मेहमानों की लिस्ट ज़रूर सामने आ गई है, जिसमें कौन से क्रिकेटर केएल राहुल की शादी में शामिल होने वाले हैं ये लिस्ट सामने आई है। बता दें कि केएल राहुल की शादी को काफ़ी प्राइवेट रखा गया है, मेहमानों को कम आमंत्रित किया गया है। बेहद ही सीधे तरीके से दोनों शादी कर रहे हैं। केएल राहुल ने पहले ही अपनी शादी के लिए टीम इंडिया से भी छुट्टी ले ली थी। बहरहाल अगर शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट की ओर नज़र डालें तो केएल राहुल की शादी में केएल राहुल की आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर गौतम गंभीर शामिल होने वाले हैं। दिल्ली से सांसद और टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर, साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर गौतम गंभीर केएल राहुल की शादी में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं। केएल राहुल की शादी में गौतम गंभीर के अलावा संजीव गोयनका, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान हैं, वो भी शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा टीम इंडिया के क्रिकेटर और साथ ही आईपीएल में केएल राहुल के साथ ही खिलाड़ी वरुण एरोन भी केएल राहुल की शादी में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं। बता दें कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले के चलते टीम इंडिया के खिलाड़ी, जिनमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या जैसे तमाम खिलाड़ी, केएल राहुल की शादी में शामिल नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि केएल राहुल और अथिया शेट्टी शादी के बाद एक ग्रैंड रिसेप्शन का भी होस्ट करेंगे, जिसमें 3,000 से ज्यादा मेहमान शामिल हो सकते हैं। बहरहाल तब की तस्वीरें तो आपके साथ शेयर की जाएंगी, लेकिन अभी तो यही रिपोर्ट है कि केएल राहुल की शादी में बेहद कम मेहमानों के बीच गौतम गंभीर, संजीव गोयनका और वरुण एरोन का नंबर है। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।